भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20-80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रदेश के बिजली विभाग द्वारा अंधेर गर्दी मचाई हुई है, ऐसा यहाँ के उपभोक्ताओं का कहना है। काफी संख्या में उपभोक्ता इस समय कहारवाड़ी, जो कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसके ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं और सब एमपीबी विभाग के इस नए नियम के चलते बहुत परेशान हैं। बहुत से लोग यहां पर अपनी समस्या लेकर आए हुए हैं। समस्या सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और आपको भी ये चिंता होने लगेगी, क्योंकि आप भी एमपीबी के एक उपभोक्ता हैं। सबसे पहले आपकी एक फरियादी से बात कराते हैं। बहनें आई हैं, बहन क्या समस्या लेके आए, क्या तकलीफ आ रही है और ये क्या नई बीमारी एमपीबी ने लगाई है? जी बताएं, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये कि सर, बिल बनने के बाद भी 5 घंटे हो चुके हैं, लाइट बंद है और बिगड़ मतलब बोले मगर लाइट बंद कर दिया गया है। हम बहुत परेशान है। बिल जो है 2000 रुपए के लगभग आता है। जी हाँ, लाइट बंद है, लाइट नहीं बंद, डायरेक्टली बका है। जी हाँ, हमको बता भी नहीं चला। जी हाँ, लाइन काट दी। कितने दिन हुए थे बिल नहीं भरे हुए? बिल भरने को 2 दिन हुए। मतलब 2 दिन हो गए लाइट नहीं चालू हुई। नहीं, लेकिन जब आपने बिल नहीं भरा था उसमें कितने दिन हुए? अभी तो 5 घंटे हो गए बंद होने को। आपकी तारीख कब थी जब बिल भरना था? 2 महीने का बिल बाकी था। 2 महीने का बिल बाकी था, जो भर चुके सवेरे हम, उसके बाद में लाइन कटी। अच्छा जी हाँ, भरने के बाद लाइन कटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहीर कुरैशी। कहाँ रहते हैं आप? हम गुलशन नगर रहते हैं, जली चौक में दुकान है। ठीक है। आप क्या नाम लिखते हैं? सोहेल खान। किस नाम से है आपका मीटर? रशीद खान, अजीज खान। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पड़ाव का रहने वाला हूँ। क्या तकलीफ है, दुख है आपका? मेरी दुकान है जलवी चौक पे, ऑटो पार्ट, रशीद साइकिल ऑटो पार्ट। अच्छा, मेरी 5 घंटे से लाइट बंद है, मेरा बिल पूरा भरा हुआ है और 340 की स्लिप भी कटवा दी, फिर भी लाइट नहीं। मेरी 340 की काय की रसीद कटी है? ये ऑफिस में आया था, पावर हाउस में पेनल्टी जोड़ी इन्होंने। पेनल्टी जोड़ी है जी, लाइट दोबारा जोड़ने की। अच्छा, बिल कितने महीने का भरा है आपने? मेरा हमेशा भर देता हूँ मैं तो। हमेशा भरते हैं तो फिर लाइट क्यों कट गई आपकी? नया मीटर लगा, जब से लाइट कट रही मेरी तो। नया मीटर जो ऑटोमेटिक लगा? हाँ, ऑटोमेटिक। उसमें बिल नहीं भरो तो लाइट कट जाती है? जी, जबकि 2 महीने की उसमें छूट दी थी उन्होंने। 2 महीने की छूट दी थी। अच्छा, उससे पहले ही काट दिया उसने बिल। अब मैं परेशान आ रहा हूँ दुकान पे मैं। अच्छा, लाइट चली गई यार। जी हाँ जी सर, ये क्या तकलीफ है लोगों को, इतने सारे लोग यहाँ पे? भैया, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा तो बिना सूचना के लोगों को घरों पर नए जो मीटर लगा दिए गए, चलो मीटर लगा दिए गए उनकी एक व्यवस्था थी और मीटर व्यवस्था के साथ ही बिजली के बिल लोगों को भरना चाहिए, क्योंकि बिजली का अपन उपयोग भी करते हैं लगातार, समय पे लोग भर भी देते थे, 1 महीने में 2 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में लोग भर देते थे। पुराने सिस्टम में ये था कि 2 से 3 महीने के बाद वहाँ पर जब लाइनमैन घर जाता था कि भैया तेरी लाइन कट रही है क्योंकि तूने 3 महीने से बिल नहीं भरा, तो वो तत्काल व्यवस्था कर लेता था और तत्काल पावर हाउस आकर यहाँ पर बिजली का पैसा भर देता था। उसकी लाइन काटते नहीं थे, वो खंभे से कटती थी पहले, और जो भरते नहीं थे उनकी लाइन खंभे से कट जाती थी। उसके बाद 140 रुपये 150 रुपये कुछ लेते थे पहले, जो बिजली जोड़ने के लेते थे। लेकिन अभी जब तक जहाँ तक मैं समझता हूँ, खंडवा शहर में बिना सूचना के नए मीटर लगा दिए गए, चलो उनके प्रावधान है, मध्य प्रदेश शासन का कोई प्रावधान होगा, नए मीटर लगा दिए गए, लेकिन नए मीटर की प्रावधान हो उसकी मतलब किस प्रकार की पॉलिसी रहेगी, ये किसी जनता को ना उन्होंने एमपीबी ने किसी प्रचार प्रसार करा, जबकि हमारे मीडिया के लोगों का ये रहता है कि कोई भी सूचना को वो जनता के हित में प्रचारित करते हैं, लेकिन उन्होंने उचित नहीं समझा। और आज हम देख रहे हैं कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी भी, मेरा मैसेज के नाम से ममता सुनील जैन के नाम से बिल है, पिछले महीने भी चूँकि मैसेज आ नहीं रहे, मालूम पड़ता नहीं है, 2 दिन निकल गए थे, 340 रुपये भरने आया, फिर 2-3 घंटे 340 की सूचना जाती है इंदौर से, 340 की सूचना प्राप्त होने के बाद मतलब 340 रुपये सीधे पेनल्टी, या उनको मतलब सीधा उन्हें कहा बिल बगैर काटे ही वो 340 रुपये लेने लग गए। चलो पिछले टाइम भी भर दिया, इस महीने भी यही हुआ कि 2 दिन लेट हो गए, पैसा भरा गया चेक से, लेकिन पैसे भराने के बाद 2 दिन बाद 340 रुपये नहीं भरने के कारण लाइन जब सुबह से कट गई, फिर अभी आया भैया क्यों लाइन कट गई, मीटर में लाइट चालू है लेकिन घर में बंद है। चलो सिस्टम होगा, नए मीटर लगे होगा, प्रावधान होगा इंदौर से कहीं पे भी। मेरा निवेदन ये है इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। अभी मैंने आके 340 रुपये भरे, एसी से बात करी, डी से बात करी, किसका प्रचार प्रसार भी, हम लोग आपके लिए बैठे हैं, आपने कोई कागज़ दिया क्या कि नया ये प्रावधान हो गया कि 1 महीने में यदि 15 अगस्त को आपको भरना था तो 16 अगस्त को कट जाएगी, इसी सूचना है क्या जानकारी पूरी जनता को? आज कम से कम मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सैकड़ों लोग, सवेरे बच्चे वगैरह सब आए और सैकड़ों की संख्या में लोग जब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पीड़ित है, या तो सूचना का अभाव है, आपके यहाँ सूचना नहीं मिली लोगों को, नहीं तो पैसा भरने में कोई नहीं। 340 बहुत बड़ी रकम होती है, मेरे जैसे आदमी ने 2 महीने में 340 रुपये भुगतान कर दिया अतिरिक्त,
लाइन समय पर भुगतान करने के बाद, तो इस प्रकार जनता से सीधे सीधे लूट का मामला है। हम ये चाहते हैं कि चलो नियम न बनाए, पैसा भरेगा आदमी की बिजली का उपयोग कर रहा है, लेकिन यदि उसको प्रचार प्रसार होना चाहिए। MP में आइए, सैकड़ों लोग आए हैं, क्या ये मतलब झूठ बोलेंगे? तो इस प्रकार से मेरा ये निवेदन है, मैंने आज SC से भी बात करी है और DE से भी बात करी है कि मेरे जैसा आदमी पीड़ित है और भी जनता यहाँ पर आज सैकड़ों की संख्या में लाइन कटने के बाद 340 भरने के बाद भी 340 भरने के बाद चार चार घंटे लग रहा है, क्योंकि मैसेज इंदौर जाने में टाइम लगेगा और कहीं ना कहीं चार चार घंटे पैसे भरने के बाद भी, पेनल्टी भरने के बाद भी, बिल भरने के बाद पेनल्टी भरने के बाद भी चार चार घंटे पीड़ित है। दूसरा ये मतलब है कि खंडवा इतना बड़ा MPP का सेंटर है, आपने दो सेंटर बना रखे, आनंद नगर और MPP का ये मुख्य सेंटर यहाँ पर है, नहीं आपके पास पैसे भरने की व्यवस्था है। हो सकता है कि ऑनलाइन भरने जा रहा आदमी तो वो जो ऑनलाइन वाला साइबर वाला है, हो सकता है 5-25 रुपये वो भी ले रहा होगा, 20 रुपये ले रहा है। तो यहाँ व्यवस्था यहाँ पे होना चाहिए ना, जब आप ले रहे हो 340 काटो तो यहाँ पे व्यवस्था कुछ नहीं है। कंप्यूटर पे आप पूछने जाओगे ना, आपका अकाउंट बताएंगे ना, कुछ जानकारी देंगे। इस प्रकार की जहाँ तक मैं समझता हूँ ये लूट है और इसको रोकने के लिए, चूंकि मैं भाजपा से जुड़ा हूँ, शासन से जुड़ा हूँ, मेरा निवेदन है कि अधिकारियों से कि इस प्रकार की लापरवाही न करें और तत्काल इसकी सूचना पूरे सार्वजनिक रूप से करें कि 1 महीने के बाद यदि आपने नहीं भरा, पहले नियम ये था, जानकारी मिली थी कि 2 महीने के अंदर आपने नहीं भरा तो 3 दिन में कट जाएंगे और कटेंगे तो 340 भरना पड़ेंगे, लेकिन अभी पता चला कि 1 महीने के बाद ही इनकी कलम चल रही है इंदौर से और स्विच बंद हो जाता, मीटर चालू है, अपन पगला रहे हैं। 100-200 रुपये तो मैंने लाइन मैन को दे दिए कि घर में ढूंढ यार फॉल्ट का है, क्योंकि मीटर चालू है, लेकिन ऐसा जानकारी मिली कि नहीं भैया तुम्हारा मीटर चलता रहेगा और आपकी लाइट बंद हो जाएगी। तो ये मेरा ये मतलब कि इस प्रकार के जो गुमराह के जो तरीके हैं ये सार्वजनिक करना चाहिए, मेरा निवेदन है। मैं भी शासन का बंदा हूँ, सरकार से जुड़ा हूँ, लेकिन मेरा निवेदन है अधिकारियों से कि तत्काल इसकी पूरी तरह से प्रचारित करें, ऐसा ये बिल आएगा किस प्रकार के कटेगा, क्या व्यवस्था है। बिल मेरा नाम है शेख सत्तार, चीपा कॉलोनी गुलशन नगर गली नंबर 5। मैंने पिछले महीने 2844 का बिल भरा, रीडिंग मजदूरी का काम, लेबर, हाँ 2844 का। पहले पुराना मीटर था तो एवरेज बिल गर्मी के महीने में 1200-1300 आ रहा था और ठंड के महीने में और बरसात में बिल आता था 150-200 रुपये। और हाँ, जब से नया मीटर तो 10 तारीख को इन्होंने रीडिंग लिया और 18 तारीख को अभी लिया, 22 दिन के अंदर दूसरा बिल अभी मेरे को इन्होंने 2960 रुपये का दिया। अच्छा, ये अगस्त का 22 दिन के अंदर दो बिल आ गया मेरे कहने। नहीं, लाइट तो कटी नहीं है पर बिल जो नया मीटर बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत बिल आ रहा है, पूरे आपकी जेब खाली कर रहा है। हाँ, तो आप ये बताएं कि चलो, हाँ 18 तारीख को इन्होंने रीडिंग लिया और दूसरी फिर 10 तारीख को ले लिया, एक दिया इन्होंने बिल मेरे को क्या बोलते हैं 30 तारीख का और दूसरा बिल दे दिया 22 तारीख का, आखिरी तारीख ये महीने का। तो 22 दिन के अंदर मेरे को मतलब इन्होंने डबल बिल दे दिया 22 दिन में। सर, मेरा क्या नाम है आपका? कांता भाई। कांता भाई जी, कहाँ रहते हैं आप? बालियाबाद। अच्छा, क्यों आए हैं यहाँ विभाग के ऑफिस में? घर में लाइट जल रही थी। अच्छा। वो जलते जलते एकदम बंद हो गई, तो मैंने सोची कि भाई सबके घर में पूछा कि लाइट है कि नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में तो लाइट है। फिर मैंने बोली मीटर में लाइट जल रही तो घर में क्यों नहीं जल रही है, तो फिर मैंने पूछा तो बोले कि लाइन कट गई। तो मैंने लाइन कट गई तो वहाँ गई, वो बोले कि वहाँ ऑनलाइन पे जाओ, ऑनलाइन पे गई तो बोले रसीद कटवाओ। घूमते रहे, आपको लगा कि लाइट चली गई, फिर आपको लगा लाइट कट गई। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मैं अभी बिल भरने आई तो बोले ऑनलाइन पे जाओ, वहाँ गए तो वो बोलता है कि बोले पहले रसीद कट रहे, बिल भर के आओ। रसीद कट के आओ, वो 2300 की। अच्छा, बिल कितना नहीं, 2300 बिल आया है और 350-350 की रसीद, वो ऊपर देने। हाँ, और 20 रुपये उसके ऑनलाइन वाले। हाँ, उसके। तो सर, जो जिसके पास पैसा होगा वो 300 भर देगा। कितने महीने का बिल है ये? मेरा 2 महीने का है। 2 महीने का जी। आपने 2 महीने नहीं भरा तो आपको अचानक आपकी लाइट चली, मीटर में लाइट आ रही थी आपकी? हाँ। अच्छा, आ रही थी लाइट। पति का क्या नाम है आपका? विकास शांतिलाल। ठीक। हाँ, तो क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? काली जी। काली जी है? भारती। भारती। पति? सुबह राकेश। अच्छा, वो राकेश कहाँ के रहने वाले? ये घासपुरा गंज बाजार। कितना बिल आया आपका? बिल आया अभी 4000 आया, तो 2000 भर दिए, 2 ही बाकी है, तो अभी का है। हाँ,
दो भर दिए, यही पुराने कपड़े बेचते हैं। पुराने कपड़े बेचते बहुत गरीब है, हाँ। गरीब लोग। और 4000 का बिल कितने महीने का है? दो तीन महीने का है। दो तीन महीने का। तो अभी अभी आए तो वो कह रहा रसीद कटा के लाओ और लाइन से भरवा। हाँ, कटवानी। आपके मीटर में लाइट आ रही है? लाइट नहीं आ रही। लाइट आ रही? आ रही लाइट, आ रही है, लेकिन लाइट चली गई है, सुबह से बंद है। बाकी हम कहाँ परेशान होंगे? ठीक है, ठीक। भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20-80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।